जनपद बदायूं में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन कार्यकारिणी द्वारा 10 दिसंबर गुरुवार को बदायूं उजियानी रोड स्थित कैंप कार्यालय निकट भगवान ढाबा पर बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस। इस शुभ अवसर पर जिलाध्यक्ष योगेश पुरी व समस्त कार्यकारिणी द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ उप निरीक्षक उजियानी अनूप सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए संगठन द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहुंचे ध्रुव यादव को जिला महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर जिला वरिष्ठ सचिव पंकज यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकमल यादव, जिला मंत्री सुनील यादव, नगर अध्यक्ष जिला प्रभारी योगता रस्तोगी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्पना मिश्रा, जिला मंत्री रीना सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष कुमारपाल शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा तथा विलाक मंत्री रामनिवास शर्मा, तहसील अध्यक्ष कृष्ण कुमार सक्सेना आदि मौजूद रहे। संगठन के मुद्दा दो कार्यक्रम होते हैं, एक तो विश्व मानवाधिकार दिवस और एक संगठन का अपना स्थापना दिवस। हमारा संगठन भारत वर्ष के 16 राज्यों में सुचारू रूप से महिला शोषण, बाल मजदूरी, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध काम कर रहा है और वो काम जहाँ टीम ज़्यादा सक्रिय है वहाँ ज़्यादा सक्रियता के साथ हो रहा है, जहाँ कुछ निष्क्रिय है कुछ सक्रिय है तो उस तरह से काम हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ें टीम के सहयोग से ही हो पाती हैं। कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी काम के लिए खड़ा होता है, किसी के पीछे खड़ा होता है और सहारा लगाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। योगेश पुरी जी अपने जिलाध्यक्ष इस संगठन के, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, व्यवहार मतलब व्यवहार है इनका। मैं एक महीने लगभग डेढ़ महीने रहा था यूपी में, डेढ़ महीने रहा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, इरीटेट नहीं हुआ, नहीं देखे कि नहीं ये कहाँ से आ गया पता नहीं। बहुत से लोग होते हैं देख के ऐसा लगता है कहा, बहुत से लोग होते हैं देख लगता है आप, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे धक्का लगाना पड़ता है। जैसे आप लोग आए, कोई लोग आए हम लोग किसी के हेल्प करने आए, जब जाकर उनके काम होते हैं वरना काम ही होते पड़े रहते हैं, कुछ वर्कलोड की वजह से भी काम पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम पड़े रहेंगे अगर चाहे लोग तो होगा। दूसरी बात मेरी अपनी आदत यह है कि मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा काम है आओ सीधे आओ सीधा हो जाओ।